नमस्कार, मैं भी प्रकाश सहयोग विजया के साथ मंत्र है कि हमें आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज भिवाड़ी में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर के भिवाड़ी बचाओ आंदोलन शुरू हो चुके हैं और आज से यहाँ पर खूब हड़ताल शुरू हो गया और इसे हड़ताल को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आपसे बातचीत करवाएंगे करवाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। आपके स्टोर के ऊपर से फोन आ जाएगा। आपने अभी सबके नाम लिए, जितने भी घोटालेबाज हैं, सब जगह पैसा गया हुआ है तो यहाँ तो जो है बचाने में लगे हुए हैं लोग। इस सरकार में जो जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अपने लोगों को बचाएगी। ये सरकार तो ऐसी है निकम्मी सरकार, मैंने कभी ऐसी सरकार देखी नहीं, इतनी गंदी सरकार। ये तो पुराने वालों को भी बचा रहे हैं, जिन्होंने पूरा देश लूट के खा लिया उनको भी बचाने में लगे हुए, केवल इसलिए कि इनको राज में रहना है। उन्होंने इनके नाक रगड़ दी, घुटने टेक दिए इनके सामने, तो उन्होंने कह दिया भाई ये भी ठीक है, कुछ पैसे पुसे भी ले लिए। तो इसलिए आज भी जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था पिछले 7-8 साल में देश के अंदर, कोई जेल में गया भाई हो? मेरे बुजुर्गों बताओ, बहनों बताओ, कितने कितने इन्होंने कहे थे कि इतने इतने लाख करोड़ के घोटाले हो गए, फिर ये क्यों घूम रहे हैं भाई? और अगर घोटाले नहीं हुए तो तुमने इनके नाम पे वोट क्यों मांगी थी? तुम क्यों इनको भ्रष्टाचार कह दे हो? तुम कहो भाई मेरे फूफा है इनते ईमानदार कोई नहीं, कहो ना बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के बारे में कहो, किसी दूसरे के बारे में कहो, या फिर जेल में डालो इन लोगों को। इन्हें से आप लोग जागो, बीजेपी और ये पिछले 7.5 साल में लगातार करती रही। अब उमरा जी कह रहे थे कि भाई हम सड़कों के ऊपर रहे, सड़कों के ऊपर रहे, पुरानी व्यवस्था को भी जानते हैं, इसलिए हमें तो पता है ये तो कुछ भी नहीं है। ये 200-500 करोड़ का जो घोटाला जो आप कर रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। जब से बीजेपी आई है अगर टोटल मिलाकर के देखोगे तो 50 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए इस देश में, 50 लाख करोड़ रुपए के। 25 लाख करोड़ का तो केवल तेल में ऊंच नीच जो हुई है ना दामों में, 25 लाख करोड़ का तो ये अपने आप में घोटाला है। क्योंकि देखो 10 साल पहले अंबानी के सारे जो है तेल पेट्रोल पंप बंद थे, आपने देखा होगा सारा। कौन आ गया? आ जाओ जी बैठो, आपके चक्कर में सारा पूरा नजर इधर उधर चली गई, सब मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने कहा 50 लाख का तो करोड़ लोग 50 लाख करोड़ का तो घोटाला किया। ये तेल आप पेट्रोल पंप देखो 10 साल बंद थे, बीजेपी ने आते ही सबसे पहले क्या किया, डीजल पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया। कुछ पैसा जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, सरकारी जो कंपनियां थी उनके पास आया, उनका उन्होंने किस किस तरीके से किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहां वो पैसा लगा उसमें फिर आधा ले लिया, रोड बने तो उसमें आधा ले लिया, कोई और प्रोजेक्ट आया तो उसमें फिर आधा पैसा खा गए। तो ये तो खाने में लगे हुए हैं, लोगों को थोड़ा सा बाद में समझ में आता है। क्योंकि समुंदर होता ना, समुंदर किस किस ने देखा, हाथ खड़े करो इनका। अभी भी समुंदर बहुत लोगों ने नहीं देखा अकबर की तरह। अकबर जो है देश का सम्राट बन गया था, लेकिन पहली बार जाकर गुजरात पे अटैक किया था, उन्होंने सूरत में समुंदर देखा था। तो आप भी जो है समुंदर देख के आओ, समुंदर के सतह पे यूं लगता है कि भाई ये तो वैसे ही है, पानी नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है, कौन से जीव जंतु हैं, कितनी गहराई है, इसमें क्या क्या होता है, वो जब तक कोई समुंदर में उतर के नहीं देखेगा और समुंदर का विशेषज्ञ नहीं बनेगा। भौजी साहब मैं भी भौजी का हूँ, मेरा बाबू भी भौजी था जी, तो जब तक उस गहराई में उतर के नहीं देखेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ये राजनीति भी है, इस राजनीति में नीचे नीचे किस किस के कनेक्शन है, कैसे कैसे है, वो आदमी पूरा जीवन निकल जाता तब भी नहीं पहचान पाता। और मेरे जैसा आदमी जो इनको देख के आया है, वो समुन्द्र में उतर के सारा गोता मार के आया 35,000 फीट पे, माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दो ना तो समुन्द्र उससे गहरा है, ऐसे ही राजनीति का समुन्द्र भी उससे गहरा है। तो मैं गोता मार के आया, मैं बताता हूँ कि भाई ये भ्रष्टाचार है,
पाँच साल आठ महीने खूब बताया, बीच में कोरोना और ये किसान आंदोलन आया, थोड़ा सा गति कम होगी। दूसरा आप जानते हैं कि भाई लोगों को जल्दी से कोई वो जस्ता नहीं कि भाई ये कुछ करेंगे, कोई भी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी नेतृत्व जब नया तैयार होता है तो उसके ऊपर पहले उसके ऊपर उसका उपहास होता है कि भाई ये तो क्या है यार, कुछ नहीं है। जैसे कोई भी आता है, मुझे किसी एक का नहीं बताना चाहिए, झाड़ू वाला भी ऐसे ही थे भाई, लेकिन बाद में जब झाड़ू चलनी शुरू हुई तो फिर ठीक हो गए। तो ऐसे ही चीजें जब हम बताते तो वो लोग जल्दी से मानते नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसलिए मैं आप सबसे ये कहने की, ये फरार है लेकिन आने पोस्टर लिखवावे सेक्रेटरी के सामने, और वैसे वो फरार नाम अजमी और पूरा जवानी दुखी कर रखा। तो ऐसा साहब वो करदार में शामिल होना चाहती, वो अपराध खड़ा करने ताकि नाम बोलते, वो उनकी मर्जी है, वो कितने के शामिल होंगे वो हम नहीं पूछेंगे, जो शामिल होना चाहते हैं। एडवोकेट चरण सिंह भैया, वीरेंद्र सिंह जी गरेवाल, फौजी साहब और रोहतास सिंगला जी, सुदर्शन जिंदल जी और किसका नाम रह गया है, सरोज जांगरा जी, मीना जांगरा जी, बबलू एमसी, एमसी के नाम से मैसेज रही है इसलिए एमसी बोलते हैं, धर्मेंद्र रोहिना जी, नीलम अग्रवाल जी, इंद्रपाल सिंह जी, कालू नंबरदार और कालू नंबरदार और कोई साथी रह गया हो, एक इनका भाई का नाम बोल दिया था, भोपसिंह प्रजापति जी हमारे पुराने साथी बोल रहे, सुशीला पुनिया जी एक्सएमसी, रमेश वर्मा जी, एडवोकेट रवि जी, धर्मेंद्र जी और कोई साथी रह गया हो जिसका नाम न ले पाया हूँ मैं, दिनेश पहलवान जी, दिनेश शर्मा पहलवान जी, नरेश गोयल जी, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ठगों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भिवाड़ी की एकता जिंदाबाद, 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 भिवाड़ी की एकता जिंदाबाद, 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 भिवाड़ी का छत्ती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, 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 भिवाड़ी का छत्ती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, 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 ठगों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुजमों इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आरएसएस की सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आरएसएस की सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 भाई सुशील वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई सुशील वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हरियाणा का लुटेरा है, खट्टर नहीं खटोरा है, हरियाणा का लुटेरा है, भिवाड़ी के लूटने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भिवाड़ी को लूटने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, घोड़ा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, घोड़ा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आपने समर्थन दिया तो क्या मानते किस प्रकार की जांच होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो ये तो लूट का मॉडल है देश में जो 2014 से बड़े पैमाने पे आ गया, मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लोग खटर भी उस लूट में शामिल, और यहाँ के जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हो, दूसरे बीजेपी के नेता हो, यह सबके नाम अभी साथियों ने बोले हैं, और ये एक शहर में नहीं है, ये कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पर इस तरह के घोटाले ना हुए हों, फरीदाबाद से लेकर के चाहे वो सिरसा हो, चाहे मनोहर हो, अम्बाड़ा हो, कोई शहर ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथियों ने पिछले 2 महीने में भिवाड़ी को जगाने का काम किया, कुछ लोग जेल में गए लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं, तो 80
के अंडरगारमेंट किसको पहना दिए बीजेपी वालों ने पता नहीं। ये कहते हैं हम तो अकेले हैं भाई, हम तो रंडवे हैं, लेकिन 80-80 लाख के अंडरगारमेंट इन्होंने पहना दिए। और उसके साथ साथ जो है लगातार सरकार का दबाव है ताकि कोई पकड़ा ना जाए, लोग फरार हैं यहाँ से। तो हम तो सारी मांगों का समर्थन करते हैं, और हम पहले ये सोचते थे कि केवल गुड़गांव में ही तालाबों को घेर करके और बड़े बड़े बिल्डरों को किया जा रहा है, यहाँ भी तालाब बेच दिए, यहाँ भी जो सार्वजनिक टॉयलेट स्थल थे वहाँ पर दुकानें बना दी गई। तो ये सरकार पूरी तरीके से लूटने वाली सरकार है, महापूंजीपतियों को भी मदद कर रही है और साथ में जो इनके नीचे उनके एजेंट हैं लुटेरे उनको भी मदद करने का काम कर रही है। तो मैं तो भाई सुशील जी को, इनके तमाम साथियों को जिन्होंने ये लड़ाई पिछले 2 महीने लड़ी है, उनको बधाई देता हूँ। और आज से ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके तबीयत ठीक होते होते ये सरकार उनको गिरफ्तार करेगी, नहीं तो आगे का जो भी रास्ता है जो अख्तियार भिवानी की जनता करेगी, हम भिवानी की जनता के साथ हैं। इसमें पूर्व सैनिकों से लेकर के आम आदमी, जन साधारण, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, और ये जज्बे वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार को ये इस देश से समूल इसका खात्मा और विनाश करना चाहते हैं। ऐसे सभी साथियों को सलाम, जिनकी क्रांतिकारी सोच है, जो भगत सिंह और अंबेडकर जी महाराणा प्रताप की आज जयंती के अवसर पर उन्होंने शुरू किया है, सफलता जो तो सब जो सरकार है वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है हरियाणा में, किसी भी मामले को दबाते नहीं कार्रवाई करते हैं। देखो 7.5-8 साल में तो हमने कार्रवाई होते देखी नहीं। ये लोग कहते थे घोटाले किए हैं लोगों ने, पुराने लोग तो आज तक कोई जेल में नहीं गया, वो सारे लोग जो इनके सहयोगी बन गए, इनके दोस्त हैं, आज भी वो प्राइवेट जहाजों में घूम रहे हैं। तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार ये खुद भी कर रहे हैं, ये खाते भी हैं, और जिन्होंने पहले खा लिया उनको बचाते भी हैं और नीचे के लोगों को खिलाते भी हैं। तो ये इनका जो नारा है कि जीरो टॉलरेंस कहाँ कहीं, वो तो सिर्फ नारा है, पूरे हरियाणा को लूट के खा गए और पूरे देश को इन्होंने बेच दिया, देश बेचने में लगे हुए हैं हर तरीके से। देश आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश देश में दंगे, ये भाजपा का पर्याय बन गए। तो इसलिए लोग ऐसे लोगों को समय आने पर उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अपने कहाँ पर भ्रष्टाचारियों को बताते हैं, तो किनको बता रहे हैं भ्रष्टाचारी, जो पहले के भ्रष्टाचारी थे सारे, जिनका ये नाम ले लेके पूरे देश में लोगों को गुमराह करके वोट ले गए, आज ये सारे उनके दोस्त हो गए। कुछ तो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी में नहीं गए वो सारे दूध के धुले इन्होंने साबित कर दिए। क्यों मिल करके इनका चल रहा है, देश को लूटने का ये ठगबंधन है, गठबंधन है, और उसमें ये जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ये सब इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित है। और इसीलिए ना कोई बोल रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ चर्चा हो जाती है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं है। और देश इन्हीं चीज़ों से छिक चुका है और एक अल्टरनेट मॉडल को चाहता है, एक नई वैकल्पिक व्यवस्था को चाहता है, जो शोषण पर आधारित ना हो, जो सशक्तिकरण कर सके, लोगों को न्याय दे सके, लोगों का भला कर सके। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से सहयोग करेगी मैदान में? आज भी हमारे सारे साथी यहाँ पर धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं, आगे भी रहेंगे, और बीच बीच में फिर दोबारा जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पर आते रहेंगे। और इन साथियों को मैं ही कहूँगा कि किसी न किसी को तो ये बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होती है, तो आज इन्होंने फैसला किया है तो सरकार झुकेगी, और नहीं झुकेगी तो समय आने पर लोग झुकाने का काम करेंगे। सरकार के खिलाफ
सामने आ जाएगा और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा उसमें प्रदेश की जनता स्पष्ट। सर, निकाय चुनाव में आपको सिंबल नहीं दिया गया, जेजेपी को मिल गया, INLD को मिल गया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू अभी तक उसमें नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? अभी तो निकाय चुनाव अनाउंस ही नहीं हुआ सर, इस हफ्ते होने की संभावना है। हाँ, हो गए तो झाड़ू पे लड़ोगे या वैकल्पिक जो आपका होगा? जहाँ पार्टी फैसला करेगी फिर करेगी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि साथियों को सिंबल दिया जाए। और सिंबल ये तो सिंबल तो अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का, तो उसको बोल रहा हूँ सिंबल आ जाएगा। निकाय चुनाव सर क्या तैयारी है सर, किस प्रकार का किस एजेंडे को लेकर जाएंगे सर? तैयारी पूरी है, तैयारी तो भ्रष्टाचार है जगह जगह, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं वो ठीक से उपलब्ध नहीं है लोगों को, किसान सड़कों के ऊपर है, मजदूर को काम नहीं है, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, कर्मचारी रोज सड़कों के ऊपर वो उतरे रहते बेचारे। महंगाई है, 18 महीने में सिलेंडर 50% दाम बढ़ गए, 560 से लेकर 1000 रुपये हो गए, तो उसको किस प्रकार देख रहे हैं सर आम जनता? इस प्रकार देख रहे हैं कि भाई सरकार से ना तो उनको राज चलाना आ रहा है, ना चीज़ें कंट्रोल में है उनके, और जब लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इसमें तो दूसरे फैक्ट्रीज का रोल है, जब उनकी सरकार नहीं थी तब तो कहते थे। आज डॉलर जो है 77 रुपये 48 पैसे पहुँच गया, प्रधानमंत्री जी के पुराने बयान देख लो, वो कहते थे डॉलर की कीमत रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले उनकी गिरती है जिनका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, तो ये तो बहुत ही गिरा हुआ निकला। वैसे गिरे हुए लोगों को क्या क्या करना है आप बताइए। सर, पिछले 20 साल के दौरान भिवाड़ी नगर परिषद में गलियों के निर्माण में सिर्फ 1000 करोड़ का घोटाला और सामने आया है, तो उस दौरान आप जो सरकार का हिस्सा रहे हैं कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं था,